तो जी गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था। ऐसे में होली का त्यौहार और साथ में शबे बारात का त्यौहार, ये दोनों त्यौहार एक ही दिन पड़ रहे थे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो लोगों को त्यौहार अपने मनाने में। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि त्यौहार जो है वो अपने घर में मनाएं और स्ट्रिक्टली मनाएं। हालांकि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, उसका थोड़ा सा जो है वो पालन करना है, और ऐसे में सभी ने पालन किया भी। एक महाराष्ट्र से जो जुहू बीच है, सबसे ज़्यादा फेमस बीच जुहू बीच, जहाँ पर हर एक आम इंसान वहाँ पर पहुँचता है जुहू बीच पर, और कौन नहीं जानता जुहू बीच के बारे में। वहाँ की तस्वीरें मैं एक्सक्लूसिवली आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ, जो कि रात को 8 बजे के बाद की है, क्योंकि ऐलान हो गया था कि रात को 8 बजे के बाद जो है वो कर्फ्यू अलाउ हो जाएगा, और पूरी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई। जैसे ही वहाँ पर पुलिस आई, वैसे ही पब्लिक सारी इधर उधर दौड़ने लगी, यानी कि पब्लिक की जो है वो दौड़ लग गई, पब्लिक वापसी जाने लगी। तो ये एक खास तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आई हैं। पुलिस वालों ने पूरा जुहू बीच को खाली कराया, सभी को हटाया, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसका पूरी तरीके से पालन भी किया गया। लोगों ने होली भी मनाई बहुत अच्छे से, लोगों ने शबे रात भी मनाई बहुत अच्छे से, दोनों ही त्यौहार हमें अच्छे से बनते हुए नज़र आए। मगर एक खास बात यह है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए मुंबई गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है, और मुंबई गवर्नमेंट इस फैसले तक पहुँची है। अभी हालांकि पूरा कम्प्लीटली फैसला नहीं सुनाया, फैसला ये है मुंबई गवर्नमेंट का कि जी अब कोरोना वायरस के केसेस जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और लॉकडाउन की एक बार और अनाउंसमेंट हो सकती है महाराष्ट्र में। ये अब तक का एक बड़ा खबर है। जी हाँ, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिल्ली का स्टेटस बताऊं, तो दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। केसेस तो दिल्ली में सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के, मगर फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने की अभी कोई भी ऐसा खबर नहीं है। अगर होगा तो वो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा, मगर फिलहाल मुंबई की अभी तक जहाँ जो खबरें हैं मेरे पास वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा दिल्ली की जो सामने आती रहेंगी वो भी मैं आपसे लगातार शेयर करता रहूँगा, या दिल्ली की नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की हमारे जहाँ कहीं भी खबर आती रहेगी वो मैं आपसे लगातार शेयर करता। तो बने रहिए हमारे साथ इस ट्रेंडिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब आपने नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, और साथ में दबाइए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहला मिल सके।